आज दिनांक 14 जुलाई 2017 को समस्तीपुर रेल मंडल के DRM मंडल रेल प्रबंधक RK जैन जी जयनगर आए हुए हैं जयनगर स्टेशन का निरीक्षण करने। तो आज इस क्रम में हम पाते हैं कि आज स्टेशन की सारी व्यवस्थाएं सही है, साफ सफाई से लेकर जगह जगह चूने का भी छिड़काव किया गया है जिससे कि दुर्गंध ना फैले और जो स्टेशन से बाहरी परिसर है वहाँ कहीं भी अब एकाध गाड़ियाँ तो दिख रही है, नहीं तो औरों दिन का नज़ारा तो कुछ अलग ही होता। आज सब कुछ व्यवस्थित नज़र आ रहा, और दिन क्यों नहीं ऐसा रहता, इस संबंधी कुछ सवाल श्री RK जैन जी से हम करेंगे, DRM साहब से, और जानेंगे कि इस संबंध में उनकी क्या राय है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जयनगर से जुड़ी, जयनगर क्योंकि बॉर्डर के पास स्थित है, तो जयनगर बर्दीवास रेलवे की प्रगति की क्या स्थिति है, जयनगर स्टेशन के बाहर खाली एरिया है उसके लिए क्या योजनाएं भविष्य के लिए, क्या ग्रीन योजना या वहां कुछ पार्क का निर्माण होना है। UTAP रोड है, वहां हर समय अंधेरा रहता है जिससे एक आध घटनाएँ भी कभी कभी होती है। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल लाइन की स्थिति क्या है, और जयनगर चूँकि बॉर्डर पर स्थित होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्या इसके लिए क्या रेलवे की ओर से कोई योजनाएं चलाई जा रही है या नहीं, और जयनगर रेलवे स्टेशन में जब जब अधिकारियों या बड़े बड़े अधिकारियों या किसी ऑफिशियल्स का दौरा होता है तब सभी रेल कर्मचारी अपने यूनिफॉर्म में और मुस्तैदी से रहते हैं लेकिन बाकी के समय में नहीं रहते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आइए जानते हैं मंडल रेल प्रबंधक श्री RK जैन जी से। जब वो काम पूरा हो जाएगा फिर हम 2 और 3 को हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके बाद में फिर 3 नंबर होगा। सर प्लेटफॉर्म 1 पर सेफ की अभाव देखा जा रहा है, पर लंबी लंबी स्कूल की गाड़ियाँ आती है, खासकर बारिश के मौसम में जाती है, काफ़ी परेशानी बहुत दिक्कत। अभी इसका वर्क कोई स्वीकृत नहीं है, हम अगले साल इसको वर्क को भेजेंगे और उससे हम स्वीकृत करें। सर सर्कुलेटिंग एरिया के बारे में कुछ बताएं। सर्कुलेटिंग एरिया का हमारा एक स्वीकृत तारीख है, हम लोगों ने इसका एक कार्य योजना बना ली है, प्लान बना लिया है, आपको इसका अगले 1 साल में पूरा असर दिखेगा। अभी वो टेंडरिंग स्टेज में है और हम लोग इसको काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। सर साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे, एक्चुअली देखा गया है कि जब बाहरी पानी आते हैं तो हम साफ सफाई रहते हैं, इसके अलावा इसके बाद सही है वो आप कह रहे हैं। UTAP की सड़क रेल की जो बने रेल के बाद बनाई गई है, UTAP की सड़क ठीक हो जाएगा। UTAP की सड़क जी जी अच्छा, उसका क्या हुआ, हालत खराब है? बिल्कुल हालत खराब है, पैदल नहीं चल सकते आदमी, और जब रेल पूरा बनाया गया तो 1 साल के अंदर में बिल्कुल जर्जर हो गई है सर। जी सर छोटी मोटी बड़ी छोटी मोटी गड्ढों में तब्दील हो गई है। चलिए मैं देखा सर, जयनगर पर स्थित है तो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ, रेलवे की ओर से कुछ भविष्य में योजनाएं जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए रेलवे तो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है जी, टूरिस्ट को डेवलप करना एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें रेलवे का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हम तो अपनी ट्रेनों का परिचालन करते हैं, लोगों को आने जाने का सुगम व्यवस्था देते हैं। पर्यटन की जो संभावनाएँ हैं हम तो ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएट करके इसके ऊपर और आगे बढ़ाए। जब जब बड़े अधिकारियों का या DRM साहब का दौरा होता है तो सभी रेलवे को सब चीज़ चकाचक दिखता है, सभी कर्मचारी सभी स्टाफ अधिकारी ना बैज भी लगाए रहते हैं, ड्रेस में रहते हैं, तो कई बार ऐसा दिखता है लुंगी में RPF वाले ड्यूटी करते रहते हैं, फोटो इसका प्रूफ भी है, तो ऐसे में अपराधी अगर भागते रहे तो कैसे पकड़ पाएंगे लुंगी में या फिर गंजी में। आपने जो बताया उस पर ध्यान देंगे और इनको बताया जाएगा वो इस तरह से कह रहे हैं, और आप जिस तरह से इन्फॉर्मेशन भेजते हैं आप भेजते रहिए, फर्क पड़ेगा उसे। नहीं आपके स्टाफ के बारे में कह रहे हैं कि जो वर्दी पर रहते हैं RPF और GRP के लुंगियों में घूमते रहते हैं, ऐसा है? मेरा स्टाफ सर RPF का नहीं है, RPF का स्टाफ है, प्रूफ है सर, न्यूज में आया भी हुआ है 9 तारीख। एनीवे कभी ऐसा होगा तो ऑफ ड्यूटी होगा, पर इमरजेंसी आ गई होगी तो उसको, कई बार क्या होता है कि आप छुट्टी पे नहीं होते, कई बार छुट्टी होते हैं कि हम छुट्टी पे हैं तो इमरजेंसी आ गई जिसमें जैसी जैसे निकल गए, पर काम पे पहुंचना जरूरी होता है, बाकी जो ड्यूटी पे है वैसे ऐसा होगा।
जयनगर स्टेशन के जो बाहर जो खाली एरिया है जो अभी पार्क मतलब ऑटो वाला सब भी लगाया रहा पार्क बनेगा या ग्रीन एरिया डेवलप होगा पूरा सर्कुलेटिंग एरिया में इंप्रूव करेंगे उसमें प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे प्रॉपर आने जाने के लिए लेन सिस्टम बनाएंगे सब कुछ करेंगे और सीतामढ़ी जयनगर निर्मली पर इस पर क्या क्या प्रगति हुई है देखिए सीतामढ़ी जयनगर निर्मली जयनगर लाइन तो न्यू लाइन है जी वो हमारा एक निर्माण विभाग देख रहा है अभी उस लाइन के ऊपर लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू हुई तो अभी वो बहुत इनिशियल स्टेज उसमें समय लगेगा अभी तो हम लोग हैं सुपौल निर्मली होते हुए निर्मली जात को जोड़ने वाला जो कार्य है उस पर लगे हमारा सबसे पहला कार्य ये है कि सहरसा सुपौल को जोड़ा जाए और फिर सुपौल से निर्मली को जोड़ा जाए फिर निर्मली से झंझार को जोड़ा जाए उस पर कार्रवाई चल रही है और चूँकि जो कोसी नदी पे पुल है वो पूरा बन चुका है तो हम सुपौल से निर्मली को सबसे पहले जोड़ेंगे और अगले आने वाले साल 2018 में हमारी उम्मीद है कि हम सुपौल से होते हुए निर्मली को जोड़ लेंगे पर जयनगर निर्मली जो न्यू लाइन है जी वो थोड़ा लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है इसमें अभी बहुत चीज़ों की संभावनाएं देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें लैंड एक्विजिशन बहुत टेढ़ा इशू है आज की तारीख में सबसे कठिन काम प्रोजेक्ट नहीं है लैंड एक्विजिशन सर दो ओवरब्रिज की घोषणा हुई थी इस साइड और उस साइड मतलब उत्तरी साइड और दक्षिणी साइड स्टेशन से उस पर कुछ वो दोनों जो है उनके लिए हमारे ने दे दिया है ये वाला और इनको उसको देखना अभी हमारे पर डायरेक्ट उसको